हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक चीज होती है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो इसका जो होता है एक फॉर्मूला भी होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। फिर इसके बाद आता है कि जैसे जो भी हमें, जैसे मान लो कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें इसके क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो हम कैसे रूट्स निकालेंगे इसके? तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, कि अगर हमें क्या निकालना हो, रूट्स निकालने हो इसके। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप पहले क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप क्या करो, रूट्स निकाल लो। या तो आप डायरेक्ट रूट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, देन आपका रूट जो है वो निकल जाएगा। अब जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। क्या है हमारा a? इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। तो a हमारा क्या होगा, 1। अब हम इसके बाद देखेंगे तो हमारा b जो है ये हमें कितना दे रखा है, 2। सिमिलरली हम c लिखेंगे, कितना गिवन है, 143। अब ये चीज लिख ली हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। या तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट रूट्स में पुट कर लो। मैं तो हमेशा डायरेक्ट रूट्स में पुट करती हूँ, ये ठीक रहता है। तो देखो, अब मैंने क्या करा, रूट्स में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, वैल्यू पुट करूंगी। तो देखो, माइनस बी, इट मीन्स माइनस बी क्या हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब माइनस 143। ये चीज हो गई। अब इसके बाद अपॉन में 2a, 2 इंटू ए, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस। अब हम रूट को सॉल्व करेंगे, तो रूट को क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 143 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 572, ये चीज हो गया, अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो माइनस 2 प्लस माइनस, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576 अपॉन 2, ये चीज हो गई। अब हमें पता है कि जो 576 होता है किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, तो किसका होता है ये, माइनस 2 प्लस माइनस 24 का होता है ये, तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब देखो, प्लस माइनस है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, कि एक बार हम 24 को प्लस में लेंगे, एक बार हम माइनस में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2, और जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो इट मीन्स 22 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 26 बाय 2। इट मीन्स जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज क्या हो गई, 11, तो 11 हो गया, और दूसरा इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो गया, माइनस का 13। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, 11 एंड माइनस 13। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम x माइनस 2, ये चीज हो गई एलसीएम। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x माइनस 2 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2, अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब ये देखो क्या है, x माइनस 2 है, इट मीन्स यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x से। तो यहाँ पे 1 इंटू x हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस x इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको फर्दर से सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस है ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया मेरा, 3x ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x इंटू x, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x इज इक्वल टू माइनस 2। तो मेरी जो इक्वेशन है ये क्या आ गई, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, माइनस इधर है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसके आगे सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे a क्या है, b क्या है। तो देखो, a मेरा क्या है, 3, b क्या है, माइनस 6, एंड c क्या है मेरा, 2।
ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो या तो आप पहले डी निकाल लो, तो डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो क्या हो गया माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू टू। तो ये चीज क्या हो जाएगी, सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस फोर थ्री जार 12, 12 टू जार 24। तो ये चीज हो गई। अब मैं इसके आगे सॉल्व करूंगी तो क्या हो गया, सिक्स माइनस फोर टू, थ्री माइनस टू वन, ये हो गया मेरा 12। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे रूट्स वाले फॉर्मूले में। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हम डी डाल देते हैं डायरेक्ट, अपॉन में टू ए, ये चीज हो गया। तो अब मैं इसके पास में वैल्यू पुट कर दूंगी, तो हमें बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, माइनस सिक्स, मतलब माइनस सिक्स और माइनस ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूले में, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में टू इंटू थ्री। तो ये चीज क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस सिक्स प्लस माइनस रूट 12 अपॉन सिक्स, ये चीज हो गई। अब देखो जो हमारा रूट 12 है इसका क्या होगा, इसका कोई इसका रूट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी, देखो 12 है तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो मैं इस चीज को क्या ले सकती हूँ, देखो 2 × 2 × 3 है, तो ये क्या है, दो बार है, तो इसको मैं एक बार लिख सकती हूँ, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी डायरेक्ट 2√3। देखो जो हमारा था वो क्या था, प्लस सिक्स प्लस माइनस रूट 12 था, तो रूट 12 की जगह पे मैं क्या ले सकती हूँ 2√3 अपॉन सिक्स, ये चीज हो गई। अब देखो ये क्या है, प्लस माइनस, इट मीन्स मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ, मतलब प्लस में 2√3 अपॉन सिक्स और सिक्स माइनस 2√3 अपॉन सिक्स, ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखो जो कॉमन होगा मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, तो देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 निकाल लिया, तो बचेगा क्या 3√3 अपॉन सिक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 3√3 अपॉन सिक्स। तो अब मैं इसको काट सकती हूँ, तो देखो क्या हो गया 3, इसको भी करेंगे तो 3, तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3√3 अपॉन 3 एंड द सेकेंड वन इज 3√3 अपॉन 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।